अपना एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया और उनके परिजनों ने 3 तारीख को थानेदार साहब के वहाँ रिपोर्ट दर्ज करी। 3 से लेकर 16 तारीख को कोई सुनवाई नहीं और नाबालिग लड़की है, कानून के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ प्रावधान है कि नाबालिग लड़की के साथ बुरी नज़र से देखना, टच करना, ये पॉक्सो के अंतर्गत आती है और पॉक्सो एक्ट थानेदार ने जानबूझकर पॉक्सो एक्ट नहीं बनाया। अगली पार्टी से 1 लाख रुपये खा लिए और परिजन से भी 30,000 रुपये थानेदार रामलाल बिश्नोई ने खाए और 30,000 रामलाल बाबू ने खाए। पूरा तंत्र भ्रष्ट हो गया। राजस्थान में कानून नाबालिग लड़कियों की जिंदगी देनी है। मेरे पास बाद में परिजन आया, घुमंतु जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं एक्शन में आया, प्रशासन को अलर्ट किया, चीफ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात की, फिर बाद में सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आप मेरे रेफरेंस से एसपी साहब से मिलना। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ पूरी राजस्थान के अंदर इस नाबालिग लड़की के जीवन को हम सबको मिलकर बचाना होगा। बच्ची का अपहरण करता हूँ या अपहरण भी हुआ? अपहरण हुआ। 3 तारीख की घटना? 3 तारीख की घटना, अभी तक कोई एक्शन नहीं है। खान पुलिस प्रशासन बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। गरीब घुमंतु जाति कोई शिक्षा, इनके शिक्षा का स्तर बहुत निम्न स्तर तक है, कोई नेताओं ने इनकी मदद नहीं की। आखिरकार में इस मैदान में मेरे को उतरना पड़ा, घुमंतु जाति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं प्रशासन और सबसे ये करना चाहता हूँ इस बालिका के, हमारे घुमंतु जाति को मदद मिलनी चाहिए।